क्योंकि अपना फ्लैट बेचकर शाहीन बाग के लोगों को लंगर खिला रहे हैं। अब इतना दिलदार आदमी है तो तारीफ तो बनती है, इसलिए कई मीडिया चैनल ने इन भाई साहब को सिख मुस्लिम एकता का प्रतीक बनाकर पेश किया और लोगों को एक तरह से प्रेरित किया कि आपको भी अपना घर फ्लैट बेचकर इन लोगों को बिरयानी खिलानी चाहिए, जो अवैध तरीके से एक रास्ते को 50 दिनों से जाम करके बैठे हैं और लोगों के साथ ही सरकार का करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन मीडिया चैनलों ने बड़ी ही चालाकी के साथ कुछ चीजें छिपा ली जो बीके न्यूज आपको दिखाएगा। दरअसल सवाल ये उठता है कि कोई इतना दिलदार कैसे हो सकता है कि एक दिल्ली जैसे शहर में अपना फ्लैट बेचकर लंगर में पैसा लुटा दे, वो भी ऐसे वक्त में जब एक स्क्वायर फीट जमीन के लिए भाई भाई के बीच तलवारें खिंच जाती है। यही सवाल हमारे मन में आया तो हमने दिलदार बिंद्रा साहब के बारे में तलाश करनी शुरू कर दी कि ये महान शख्स आखिर है कौन जो अपना घर बार बेचकर इन लोगों को लंगर खिला रहा है। जब मीडिया इनकी इतनी तारीफ कर रहा है तो कुछ तो बात होनी चाहिए। जब हमने इनके बारे में जानकारी जुटानी शुरू की तो हमें हैरान करने वाली जानकारी मिली और समझ आ गया कि भाई साहब शाहीन बाग के लिए इतने दरिया दिल क्यों हो रहे हैं। दरअसल फ्लैट बेचकर कई दिनों से शाहीन बाग में लंगर खिला रहे डीएस बिंद्रा साहब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के दिल्ली के महासचिव है। मतलब बिंद्रा साहब निजी तौर पर यहां लंगर सेवा नहीं कर रहे हैं, जबकि उनको ओवैसी साहब का आदेश है, ऐसा आप समझ सकते हैं, जिसका वो पालन कर रहे हैं। खबर तो यहां तक है कि जिस फ्लैट को बिंद्रा साहब ने बेचा है उसे उन्होंने AIMIM के पैसे से ही खरीदा था, जिसे बेचकर अब वो लंगर के पैसे जुटाने का ड्रामा कर रहे हैं। वैसे कई मीडिया हाउसेस ने खबर की थी कि कौन है डीएस बिंद्रा जिन्होंने प्रदर्शनकारियों के लिए अपना एक फ्लैट बेच डाला, लेकिन इस खबर में बिंद्रा साहब के जीवन के इस अहम पहलू के बारे में ही जानकारी नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए, क्योंकि बड़े राजनीतिक दल का एक बड़ा पदाधिकारी होने की जानकारी इन मीडिया हाउसेस को न हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बिंद्रा साहब ओवैसी साहब के साथ गलबैया करते दिख रहे हैं, एक MIM की रैली को संबोधित भी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने तो इनके बारे में ये भी जानकारी दी है कि ये मानवता के दूत नहीं बल्कि नफरत फैलाने वाले शख्स है। ट्विटर पर गोयल संजीव नाम के यूजर ने लिखा है कि दिल्ली में AIMIM की एक रैली में मुस्लिमों को उकसाते हुए इन्होंने कहा था कि क्या मुसलमानों के साथ भी 1984 हो सकता है। इसके अलावा भी बिंद्रा साहब की कई तस्वीरें और लीफलेट सामने आ रहे हैं जिसमें वे AIMIM के पर्चों पर साफ दिखाई दे रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने की बात करते नजर आ रहे हैं। तो अब सवाल ये कि क्या शाहीन बाग आंदोलन को ओवैसी साहब भी पीछे से फंडिंग कर रहे हैं ताकि ये आंदोलन यूं ही चलता रहे। हर मुद्दे पर तुरंत जवाब देने वाले ओवैसी साहब से उम्मीद है इस पर भी वे कुछ